नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आज आप किस फॉर्म को मैनलाइज करेंगे और आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, ओवरऑल पूरी लाइफ के बारे में, एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनका भी हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप राइट हैंडेड पर्सन हैं, आपकी फ़िलहाल की एज अराउंड 34 ईयर्स है। तो चलिए आपके बाएँ हाथ को देख के सबसे पहले हम आपके प्रारब्ध की स्थितियों को देखेंगे कि कैसी चल रही है यहाँ की स्थितियाँ। सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं की अगर गणना करी जाए तो मणिबंध की रेखाओं की स्थिति बिल्कुल सही, बहुत ही बेटर। जब आपकी एज यानी कि आपकी एज होगी लगभग 39 टू 43-44 की एज, उस समय आपके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है। उस समय आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं अत्यधिक, जिससे मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें लाइफ को टर्न आपके लाइफ को टर्न मिलेगा, ठीक है। एक नई दुनिया की तरफ आपको प्रवेश कराएगा, कुछ नए आपके हाथों में जिम्मेदारियाँ, इसके अलावा नई चीज़ें वगैरह चीज़ें आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा धन की और सुख की धन की रेखा बहुत ही बेहतरीन है। आर्थिक मामलों में हमेशा आपको तरक्की की स्थितियां बनी हुई है। सुख के मामले में थोड़ी सी कठिनाई साथ में चल रही है, उसमें आपको मेंटली कभी कभी आपको लगेगा कि शायद उतना सही नहीं है जितना डिजर्व मैं करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा नज़रिया बदलते तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएगी। वैसे आप बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही टू द पॉइंट पर्सन है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मन में कुछ उलझन नहीं, मन में कुछ आगे पीछे छल कपट वगैरह जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं। सबके साथ अच्छा व्यवहार, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, एकदम नॉर्मल। मतलब किसी के लिए कुछ बैर भाव जैसा जो कुछ होता है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबका अच्छा सोचना, अपना भी अच्छा करना, अगर दूसरों के लिए थोड़ी सी मुसीबत मुझे लेनी पड़ जाए तो वो भी आप लेने में कभी नहीं हिचकते हैं। इट्स अ गुड, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ऐसा अगर हो तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और सबको सुखी देखना, सबके लिए अच्छा से अच्छा करना, माता पिता हो चाहे कोई हो, जिसने जो स्ट्रगल करा है, जिसने जो सेक्रीफाइस करा है, सबको स्थितियों को आप समझते हैं और सबके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में आपकी रुचि है। अब आपके देखेंगे सबसे पहले गुरु माउंट की स्थिति को, यानी कि जुपिटर, जुपिटर की क्या पोजिशन बनी है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा दबाव में कमज़ोर हो गई है, ठीक है। ये बताता है व्यक्ति की प्रेशर को, व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों के सपने को, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को और अपने खुद के अरमानों को, बहुत सारी चीज़ों को ढोते हुए लेके चल रहा है, ठीक है। जब वो ऐसी कुछ स्थिति आती है तो गुरु माउंट की ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन इसे थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हैं क्योंकि शनि की स्थिति बेहतरीन है। आपका एक सवाल था फिनेंशियली, आपको लगता है कि शायद आपकी सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए थी या जितना आप डिजर्व करते हैं, तो शनि की स्थिति के लिए बिल्कुल ना घबराएं। आने वाले समय में आपके लिए बेहतर परिस्थितियां तैयार हो रही है, वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेंगी, ठीक है। और फिनेंशियली आप एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। कुछ दिनों के बाद जॉब चेंजेस के भी आपके आसार आगे आने वाले समय में आपको प्राप्त होंगे और उस समय आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होगी। इसके अलावा सूर्य की स्थिति बहुत ही बेहतर। सबसे पहले अगर बात करूँ तो भौतिक जो सुविधाएं हैं, घर गाड़ी वगैरह वगैरह, ये सब आपको मसैर है, सब मुहैया है और सब आप अपनी कमाई से, अपने धन से आप निर्माण करेंगे और एक सुखी जीवन की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। आपके बुध पर्वत की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। प्रथम क्षेत्र में आपकी रेखाओं के अनुसार जो परिस्थितियाँ बन रही है वो आपको अभियांत्रिकी की तरफ आगे बढ़ा रही है, यानी कि इंजीनियरिंग सेक्टर और किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य आपको जीवन में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रबल बनाएंगे, सबसे ज़्यादा तरक्की देंगे, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में अगर आप जाते हैं, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा आपको विवाह रेखा से संबंधित कुछ सवाल थे, उनका भी जवाब आगे देंगे। अब चले आते हैं आपके मंगल के क्षेत्र पर। मंगल की स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हैं क्योंकि मंगल के क्षेत्र में दो अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अभी ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। आपके राइट हैंड देखेंगे उससे और स्थितियों को देखेंगे। लेफ्ट हैंड है क्योंकि मैंने आपके दोनों हाथों की गणना की है, तो आपका लेफ्ट हैंड ऑलमोस्ट 99-100% के बीच में दोनों का इक्वलिटी है, ठीक है, सेम ही है।
इसलिए यहाँ से भी आपको पूर्ण जानकारी वैसे ही प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइफलाइन के स्टार्टिंग में है, शुरुआती संघर्षों को बता रही है। शुरुआत से ही आपके जीवन की अलग सोच को, अलग प्रकृति को, आप हमेशा कभी भी लकीर के फकीर नहीं बने, ठीक है ना। ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे फलाने चले थे तो इस रास्ते पर चलने से हमें, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिकल हैं, आप चीज़ों को पहले देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर मेरे लिए बेहतर है तो है, अगर कोई किसी ने कह दिया कि नहीं उस वो मेरे लिए अच्छा था तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे लिए भी अच्छा होगा। आप बेहतरीन रूप से उसे अपने लिए परखते हैं, अपनों के लिए परखते हैं, अगर सही है तो फिर सही है, नहीं तो किसी की बातों में आके हम कहीं गलत कुछ ऐसा कर ले, ऐसा कुछ भी सोच आपकी नहीं है। अगर आप करते भी कभी हैं तो एक तरीके से उसे कहा जाएगा बचपना, क्योंकि आप थोड़े निश्चित तौर पे शराफत थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसके मुकाबले कि आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कुटिलता से देखें, ठीक है, आप ऐसा नहीं देखते हैं, इसलिए आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ हैं। हमेशा से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा अपने अगल बगल की चीज़ों के बारे में ध्यान, और उन्हें अच्छा करने का एक जुनून, एक सोच कुछ इस हद तक बढ़ा कि आपको कम उम्र में ही उसने बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बना दिया और बनाने की तरफ आपको बढ़ा दिया। ऐसा ही होता है कि समय से पहले जब उम्र से कम में ज़्यादा तजुर्बा आ जाता है तो लोग झुक जाते हैं, वैसे ही कुछ परिस्थितियाँ आपके हाथों की इस स्थिति में बन पड़ी है। लेकिन अभी जो आपकी एज चल रही है, आपके जो भी स्ट्रगल है, जो भी समस्याएं थी, वो सब अब धीरे धीरे रास्ते पे आ रही है, ठीक है। लाइफ का मज़ा आपको, अब आनंद उसका आप प्राप्त करने की स्थिति में है, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑलरेडी इतना हो चुका है कि अब चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती, और कुछ एक आध चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं तो उनका भी सॉल्यूशन आगे हम देख लेते हैं। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी निश्चित तौर पे विपरीत है, और आई थिंक कि आपका जो एक सवाल है उसके लिए कुंडली दर्शन अनिवार्य है, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे जो शक है, जो योग की स्थिति का मुझे पूर्वाभास हो रहा है, वो शायद अगर आपकी DOB डिटेल्स एक्यूरेट हो तो उसमें शायद बेहतर रूप से आ सकती है कि हाँ वो जो शक है क्या वही है या नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपके शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र की स्थिति अभी सामान्य चल रही है, कुछ दिन और तक सामान्य चलेगी, ठीक है। ये लगभग आपको 2019-20 तक इसकी स्थिति सामान्य ही रहने वाली है, उसके बाद ये आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा निगेटिव है, ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है लेकिन बस नॉर्मल चल रही है अपना, लेकिन उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो इससे आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जीवन रेखा में खासकर 2 से 3 उम्र में आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको हृदय से संबंधित समस्याओं की यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। इसके अलावा 3 से 4 एज है जिसमें घात योग आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा रक्त संबंधी समस्याएं और सावधानी में रहे स्वास्थ्य के प्रति आपके लिए विशेष आवश्यक है। सोचते सोचते कुछ करते करते कुछ और भूल ना जाए, यानी कि इतना कभी ना सोच ले कि अगल बगल की चीज़ें आपको दिखें ही ना, ठीक है, असावधानी वहीं पर हो जाएगी, वहीं पर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी। जब रास्ते पे चलते हैं तो बस रास्ते को देखें, उस समय दिमाग में कुछ दूसरा चीज़ सोचते हुए ना चले कि रास्ते का याद ही नहीं रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे आगे पीछे क्या है, ठीक है, तो ये सब आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा आपकी भाग्य रेखा एक बहुत ही अलग और निश्चित तौर पे ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम होती है जो कि जीवन रेखा के क्षेत्र से निकल के आ रही है और सीधे चलती चली जा रही है कहाँ, आपके ऊपरी शिखर पे, ठीक है। मैं इसे फिर ऊपर तक की दिखा देता हूँ, यहाँ तक आ गई थी, यहाँ से अब देख लो, यहाँ से निकलते हुए सीधे जाके शनि के क्षेत्र को यहाँ पे पकड़ रही है। क्या है इसका प्रभाव? इस शुक्र के क्षेत्र से निकली है, ये आपके घर से निकली है और ये रेखा आपको लिए जा रही है शनि के क्षेत्र में। शनि के क्षेत्र तक के बीच में इसे 6 छोटी रेखाओं ने समय समय पर भंग किया है, ठीक है, 6 छोटी छोटी रेखाओं ने इसे समय समय पर भंग किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निकली है, आगे तक गई है और यहाँ पर जाके ये 2 मुखी होके शनि की नीचे से तरफ से आती हुई रेखाओं को इसने
छुआ है। ऐसी परिस्थिति में ये आपको क्या फल देगी? एक रेखा, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। एक छोटी भी यहाँ पर डबल आके यहाँ पे काट रही है, तो कुल मिला के सात। सात रेखाओं ने इसे विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न दिशाओं में काटा है। जैसे कि शुक्र के क्षेत्र में जिस रेखा ने इसे पकड़ा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये बहुत ही शुभ रेखा है। ये व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, माता पिता की तरफ से और अपने घर की तरफ से व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगी। किन चीज़ों में आपके लिए फायदेमंद होगी? केतु के क्षेत्र और चंद्र के क्षेत्र से जुड़ के आ रही है। यहाँ से आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रोत्साहन की प्राप्ति जातक को होगी। इसके अलावा दूसरी रेखा जो काट रही है ये निगेटिव है, क्योंकि ये यहाँ से आपको उठ रही है और मंगल के क्षेत्र में समा जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये आपको मंगल जनित समस्याएं और चंद्र जनित जो कुछ समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पे प्रदान करेगी। इसके अलावा जो नीचे आती हुई रेखाएं हैं ये आपके लाइफ लाइन से, ये आपके इस उम्र में ह्रास की सूचना देती है। इस उम्र में व्यक्ति के जीवन में ह्रास की जो संभावना आती है, समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, उसको बता रही है। राहु के क्षेत्र में जो ये रेखाएं काट रही है आपको हमेशा इस एज में, एज आपकी कौन सी होगी, जो भी आपकी ऑलरेडी बीत चुकी है यानी कि 2 से 3 साल पहले की आपकी एज रही होगी, ठीक है, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से छीन लेती है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा की तरफ से दो काटती हुई रेखाएं जो कि मंगल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर इसे आप देखेंगे दो मुखी होके बगल में तब जाके निकली है, ठीक है। ये दोनों स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा कर रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपके वैवाहिक जीवन के संबंध में। इसके अलावा आपके जो संबंध है और वो मतलब संबंध और दोस्ती वगैरह, रिश्तेदारी वगैरह, इन सब चीज़ों की अलग परिस्थितियों को ये यहाँ पे दर्शा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपकी जो भाग्य रेखा है इसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। पूर्ण सफलता प्राप्त न होने की स्थिति में ये आपके लिए पूर्ण रूप से फलदायी नहीं है, जिसका खामियाजा आपको जीवन में समय समय पर मिलता रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा पर नीचे की तरफ जो एक खास स्थितियां बन रही है, आपकी रेखाओं की स्थितियों के अनुसार ये निश्चित तौर पे थोड़ा सा नुकसान करने वाली है, ठीक है। तो आपके दाहिने हाथ से हम समझेंगे कि ये किस उम्र में आपको इफेक्ट करेगी। और वैसे चंद्र की स्थिति की यहाँ बात करें तो चंद्र की स्थिति निश्चित तौर पे काफ़ी मुश्किल भरी है। जीवन में काफ़ी सारी यात्रा, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस टूर वगैरह ये हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। कहीं एक जगह बैठ के रहना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब चलिए आपके दाहिने हाथ को हम देख लेते हैं। दाहिने हाथ की स्थिति, दाहिने हाथ की भाग्य रेखा आपकी बेहतरीन नीचे से जा रही है। उसको सिर्फ दो रेखाओं ने, जो मुख्य दो रेखा है जो मंगल के क्षेत्र से आके बढ़ी थी, उन रेखाओं ने इसे आपस में काटा है, ठीक है। बाकी ये रेखा जो है बहुत ही बेहतरीन जा रही है। अभी जो आपकी एज है, तीन रेखाएं, सबसे पहले शुक्र के क्षेत्र से आती हुई रेखा जो कि मंगल की तरफ चली गई, जो कि अभी आपको लगभग, अभी आपकी 34 एज है, 36, 36.5 तक आपको फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस दे रही है, आप आगे तक जाएंगे। इसके अलावा जब आपकी एज 39, 40, 42 के आसपास होगी, यानी कि उसे एक अगर लाइन में बांधना है कि हाँ कौन सी एग्जैक्ट उम्र है, तो उसके लिए कुंडली आवश्यक है। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 years प्लस माइनस करके आपको बता पाऊंगा और जो बता रहा हूँ। तो इसमें आपकी जो स्थिति आ रही है वो 40 to 42, ये आपका अपना खुद का ऑपरेशन यानी कि अपना खुद का काम शुरू करने की स्थितियाँ बयां कर रही हैं, यानी कि आप अपने अपना खुद का कार्य आप जमाने वाले हैं और उसी में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसमें आपको तरक्की भी मिल रही है, ठीक है। उसमें आपको फायदा भी मिल रहा है, नौकरी से ज़्यादा अच्छी स्थिति उसमें आपको उस समय पैदा हो रही है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है।
मस्तिष्क रेखा का भी उस समय पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है। सूर्य रेखा, सूर्य की जो स्थितियां हैं वो भी बेहतरीन है आपके लिए। यहाँ पर त्रिशूल धारी हो चुके हैं आपके शनिदेव, बहुत ही बेहतरीन। गुरु की स्थितियाँ यहाँ पर भी थोड़ी सी बोझिल ही चल रही है, तो गुरु का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, इनका थोड़ा स्ट्रांग होना अत्यावश्यक है, तो इस पे काम होना चाहिए था। और इससे संबंधित रेमेडी आपको चाहिए होगी, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब आपकी व्हाट्सएप पे आपसे डिस्कस होगी, ठीक है। और हार मत मानिए, ठीक है, चीज़ें आपको कभी कभी बहुत झुका देती है, आप झुक जाते हैं चीज़ों में कि चलो जो आप लोगों की मर्जी, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ भी अगर है ना तो वो निकाल दें, झुके नहीं, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, आपके ऑलरेडी कई सारे संबंध हैं, आप विवाह की अगर बात करें तो आपको बहुत लोगों में रुचि है, आपने रिलेशन भी बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई मुकाम पे पहुंच नहीं रही है, ठीक है। उसके अगर जनरल दो कारण हैं, सबसे जो मुख्य मुझे लग रहा है वो मंगल और चंद्र की स्थितियों में परिवर्तन के आधार पर ना कुंडली में कुछ खास भाव उपस्थित होते हैं, कुछ खास भावों में कुछ ग्रहों की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा 3 से 4 दोष उत्पन्न होते हैं। मुझे आई थिंक ये शक है कि शायद उनमें से कोई एक दोष आपको इसमें लग रहा है, मैं उन दोषों का विवरण अभी नहीं करूँगा, लेकिन उनमें से कोई एक दोष है जो आई थिंक कि आपको उसके प्रभाव में आप हों तो इस कारण वो देरी हो रही हो। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन, आप निश्चित तौर पे उनसे मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा वो आपको परेशान करने की स्थिति में बनी हुई है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा का इसमें अच्छा सहयोग है आपके लिए, स्थितियों को बेहतरीन कर रही है, शुक्र भी इसमें अच्छी होती चली जा रही है, ठीक है। और चंद्र की तरफ से कोण की स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। चंद्र पर एक कोण होना आपको मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा विचलित कर सकता है, आपको पानी आग केमिकल इन सब चीज़ों से तो हमेशा बचना चाहिए, किसी भी तरीके से इनके संपर्क में ना आए, और स्त्रियों से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पे बयां कर रही है कि फायदा उठाया जा सकता है, फायदा उठाया जाएगा, तो आपको बचना चाहिए, आइडेंटिफाई करें लोगों को, पहचाने, इमोशंस के साथ कोई खेल ना पाए, ये आपने देखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे वो होता दिख रहा है, तो आपको इसमें बचना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर 100% आपकी हाथ की रेखाओं का अगर बयान करूँ, किसी की हाथ की रेखाओं का बयान करूँ तो क्या होगा वो कहना मुश्किल है, ठीक है। तो बस जो बता रहा हूँ, जो आपको मैं आई थिंक कि सब कुछ मैं बता चुका हूँ इशारों में, आप बेहतरीन बेहतरीन रूप से उसे थोड़ा डिस्क्राइब करके, थोड़ा फैला के उसे सोचिए, तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। तो आपके लिए वो आवश्यक है। अब आपके कुछ खास सिंबल्स की स्थिति बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि मुझे सिंबल के बारे में जानना था। आपके यहाँ पे एक क्रॉस की स्थिति बन रही है, लेकिन क्रॉस का जो क्रॉस में दो खास छोर निकल रहे हैं, ठीक है, वो छोर इस प्रकार से निकल रहे हैं। दूसरी क्रॉस मंगल के इस क्षेत्र से आई है, इसमें दो रेखाएं आपस में मिली है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक वृत्त का निशान बन गया है। ये वृत्त का निशान जैसे ही बन गया तो एक क्रॉस को अंकुश, क्रॉस में अंकुश लगा रही है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ पावर हो और उसे सीज कर दिया जाए, उसे यूज करने से मना ही कर दी जाए, वैसे ही यहाँ पर जो है ना ये अंकुश लग जाना, ये अंकुश कब लगता है, जब आपके गुरु का प्रभाव, गुरु जब निगेटिव होता है तो इस पर अंकुश लग जाता है, यानी कि ये जो पावर है इसे आप अभी अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले स्टेज का जो गेम है उसे आप अभी तक विन नहीं कर पाए हैं, जीत नहीं पाए हैं, जब उसे आप जीत जाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, तो उसी तरीके से ये अभी लॉक है, ठीक है। तो इसका आपको प्रभाव यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपकी स्थितियाँ बन रही है, ये जाल की स्थिति है, निश्चित तौर पे यहाँ पे जाल होना मेरे लिए एक आश्चर्य की स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे जाल होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाल होना राहु के
प्रभाव को दर्शाता है कि व्यक्ति पर राहु व्यक्ति को राहु कितनी हद तक प्रभावित कर रहा है। आपकी एजुकेशन लाइन बहुत बेहतरीन है, ऑलरेडी अच्छा नॉलेज आपने गेन करा है, ठीक है। आपकी विवाह, आपका एक क्वेश्चन था विवाह के क्या योग है। आपके विवाह के लिए जो अगर बात की जाए तो सबसे पहले बहुत ही बढ़िया एज था आपका 24 से लेके 26 के दरमियान, वो आपका सबसे गोल्डन पीरियड था, सबसे बेहतरीन आपका उस समय था जब आपका एक किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसे ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि दो से तीन ऐसे दोष हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना आवश्यक है कि उनमें से कौन सा दोष इस पे लागू है, उसी अनुसार ये होता दिख रहा है। तो उसके बाद नहीं हुई, उसके बाद दोबारा भी आपकी थी अभी से 2 साल पहले तक, उस समय भी बेहतरीन थी लेकिन उस समय भी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे अब आपके लिए अंतिम समय है, क्योंकि अगर अभी तक नहीं होती है यानी कि नेक्स्ट आपको अगस्त या सितंबर यहाँ तक आपके लिए अगर दिक्कत होती है, तो फिर निश्चित तौर पे आपकी हाथ की रेखाओं की जो गणना है उसमें स्थितियाँ थोड़ी सी आपके लिए टफ होती जा रही है। वे जातक का विवाह निश्चित है और बहुत ही जातक के पसंद के अनुसार और अच्छी स्थिति वाली लड़की से जातक की शादी होगी, और जीवन आपका शादीशुदा जीवन आपका बहुत ही आगे बेहतरीन जाने वाला है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आपको दो पुत्र की भी प्राप्ति है, ठीक है, दो पुत्र पुत्री नहीं की भी प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिख रही है, और मैरिज के बाद आपके लिए स्थितियाँ भी बेहतरीन है, क्योंकि आपका जो भी बिजनेस वगैरह है सब उसके बाद ही आप स्टार्ट करने जा रहे हो, वो बेहतरीन है, आपको वहाँ पे उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति आप थोड़ा सचेत रहें, ध्यान दें, वहाँ से आपको तकलीफें आती हुई दिख रही है, आ रही है, ठीक है। मत्स्य का चिन्ह एक बन रहा था लेकिन वो काफी ऊपरी दिशा में है, इसलिए अब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है, तो उसके चक्कर में ना पड़े। शुक्र की तरफ से आती रेखाएं चंद्र की तरफ जा रही है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो आपके लिए और भी स्थितियों को अच्छा कर देंगी, ठीक है। फिनांशियली आने वाला समय आपको एक अच्छी जगह और एक अच्छी स्थिति में आपको पहुंचाएगा। मस्तिष्क रेखा में जो ये खास वृत्त का निशान है, ये थोड़ा सा त्यागे अपनी चीज़ों की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, कोई यूज करता रह जाए, हम कुछ न बोले, हम चीज़ों को अलग तरीके से सोचे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भावनाओं को व्यक्त करें, चीज़ों को बाहर निकालें तो आपके लिए राह आसान हो जाएंगी, जब तक अपने अंदर रखेंगे आपके लिए चीज़ें मुश्किल ही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कहूँगा, पार्टनरशिप मत करें आप, और लाइफ को में कंप्रोमाइज मत करें, ठीक है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअली आप बेहतर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका ध्यान है, एक अच्छी स्थिति है निश्चित तौर पे। आपकी छोटी उंगली की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन, आपको भी दिख नहीं रही होगी लेकिन मेरे पिक्चर में ऊपर दिख रही है, बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सुंदर भविष्य को दर्शा रही है जो जातक के सामने आएगी। आपकी सारी समस्याओं के जड़ में जो है वो मंगल जनित जो तीन दोष हैं, त्रिदोष, उसमें से कोई एक दोष आपको ग्रसित कर रहा है और एक राहु, बस यही दोनों दोष हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं। चंद्र का है लेकिन ये आपके आगे आपके भविष्य के लिए या आपके बढ़ोतरी में, आपके ग्रोथ के लिए ये कहीं से रुकावट नहीं डाल रहा है, ठीक है, ग्रोथ में ये कहीं से रुकावट का कारण नहीं बन रहा है। बृहस्पति का चिन्ह आपके इस क्षेत्र में आने का मतलब है कि मंगल के समस्याओं में ये वृद्धि कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मंगल के क्षेत्र से निकल के जा रही है शुक्र के क्षेत्र तक, तो थोड़ी सी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो बस शुक्र सॉरी मंगल और राहु इन दोनों के ही एक दोष हैं जो कि आपको विभिन्न तरीके से समस्या पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनके दोष उपस्थित होते हैं तो ये सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके की तकलीफें महसूस होती है, बस यही है। इसके अलावा कुछ और आपको लाइंस के बारे में जानना हो, कुछ और चीज़ें और क्लियर करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे आए, वैसे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आई थिंक कि इतनी ओवरऑल एनालिसिस हो चुकी है कि इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर
फिर भी अगर आपको मेरी कुछ लैंग्वेज समझ में ना आई हो, चीज़ों को और थोड़ा क्लियर करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस अपने दे देना, समय मिलते ही आपको वापस करूँगा जवाब। ठीक है, मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।